इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत पॉपुलर है। इनकैप्सुलेशन हमें इनक्रेज करता है कि हम फील्ड्स को और मेथड्स को ऑर्गेनाइज करें क्लासेस के अंदर और क्लासेस को हम ऑर्गेनाइज करें डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन हमें यह भी इनक्रेज करता है कि जो भी डाटा जो हमने एक क्लास के अंदर रखा हुआ है उसको मैक्सिमम आपने प्राइवेट रखना है। उसकी वजह यह है कि इनकैप्सुलेशन हमें एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे डाटा सेव होना है आउटर वर्ल्ड डायरेक्टली उसके अंदर डाटा पॉपुलेट ना कर दे। ये जो कोड लिखा हुआ है स्टूडेंट क्लास का, इसके अंदर सारा जो डाटा है वो पब्लिक है। अब पब्लिक डाटा होने का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि आप एज के अंदर डायरेक्टली वैल्यू सेव कर सकते हो, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो डेवलपर जो इस कोड के साथ मैनिपुलेट करेगा वो इसमें कुछ गलत वैल्यूज़ भी एंटर कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते कि गलत वैल्यूज़ एंटर हो। जिस तरह आपको पता है कि एज के अंदर हमेशा ज़ीरो से अबव वैल्यूज़ आती हैं, आपने कभी भी ये एज की वैल्यू नहीं सुनी कि एज आपकी -21 है, ठीक है। तो -21 क्या है, एक रॉन्ग एंट्री है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे आपने डाटा सेव करना है ना, जो वेरिएबल है उसको आप प्राइवेट रखो। अगर आपने डाटा उसके अंदर पॉपुलेट करवाना है तो आप एक सेकेंड पर्सन आप रखो, यानी कि आप एक फंक्शन रखो, फंक्शन के अंदर आप डाटा गेट करो यूज़र से और वो डाटा पहले चेक कर लो क्या ये डाटा ऑथेंटिक भी है आपके बिजनेस रूल के मुताबिक। अगर वो ऑथेंटिक है तो आप अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो आप उसको अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करो। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस सारे डाटा को ना मैं प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट ऑल्ट और एरो का डाउन बटन और इसको कर दूँगा प्राइवेट। सेकेंड मैं ये करूँगा कि इधर एक मैं फंक्शन बनाऊँगा जो कि होगा पब्लिक वॉइड सेट एज डाटा और इसके अंदर मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा एज की। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं ए की वैल्यू चेक करूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि एज इक्वल टू ए, तो एज के अंदर वो डाटा सेव हो जाए जो कि यूज़र ने दी है। एल्स हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड वैल्यू प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि हमने एक सिक्योरिटी लेयर रखा हुआ है, एक सैंडबॉक्स आ गए जो कि पहले चेक कर रहा है कि जो डाटा जो यूज़र हमें सेव करने को कह रहा है क्या वो डाटा ऑथेंटिक भी है कि नहीं। अगर वो डाटा ऑथेंटिक है तो हम उसको डायरेक्टली अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी के फंक्शंस भी बना लेता हूँ। तो इधर मैं ये चेक लगाऊंगा कि अगर मार्क्स मेरे 0 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो तब ही मार्क्स के अंदर एम स्टोर हो जाए। इसी तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग एन। तो इधर मैं ना एक चेक लगाऊंगा कि यूज़र अगर कोई नेम सेट करना चाह रहा है अपना, तो मैं वो नेम की वैल्यू को चेक करूंगा कि वो नेम एम्प्टी ना हो और वो नेम नल ना हो। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है। तो उसका मैं यूज़ करूंगा इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रिंग नल है या एम्प्टी है कौन सी एन की, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो एम्प्टी ना हो और उसमें नल भी ना हो तो तब क्या हो, ये मैंने नॉट का ऑपरेटर इसलिए लगाया है, ठीक है, ताकि वो उसको निगेट कर दे। तो अब होगा ये कि ये कंडीशन तब ही पास होगी जब यूज़र कोई ऑथेंटिक वैल्यू देगा, जब उसके अंदर कोई एबीसी स्टोर होगी या 1 2 3 स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं इधर करूँगा नेम इक्वल टू एन, एल्स में मैं इधर पास कर दूंगा और एल्स में इधर मैं एक मैसेज मैं प्रिंट करवा दूंगा कि यू कैन नॉट एंटर एम्प्टी और नल वैल्यू इन नेम, ठीक है। तो
तो ये देखें कि मैंने एक सेकंड पर्सन बना लिया है जिसके जरिए हम एज के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेंगे, इसी तरह मार्क्स के अंदर भी और नेम के अंदर भी। और इसी तरह मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ डिटेल का कि जिसमें ना हम सारी वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो ये कोड जरा मैं डिलीट करता हूँ, ये पिछले लेक्चर का कोड था। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा STD.set एज। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ना गलत वैल्यू एंटर करूँगा, -10। इसी तरह STD.set marks, इसके अंदर भी जो कि गलत वैल्यू है वो मैं एंटर करूँगा। और इसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने गलत वैल्यूज एंटर की हैं तो उस केस में हमें जो प्रोग्राम है वो क्या शो करेगा। ठीक है, मैंने गलत वैल्यूज इसलिए एंटर की हैं ताकि जब ये एक फंक्शन कॉल हो तो वो चेक करेगा कि अगर ये वैल्यूज़ गलत हैं तो एक नाइस सा एक एरर मैसेज यूज़र को प्रोवाइड कर देगा कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो ठीक नहीं है, आप दोबारा एंटर करें। ठीक है, मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो उसने मुझे बता दिया है कि यू हैव एंटर एन इनवैलिड वैल्यू, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, तो इसका सलूशन ये है कि मैं इधर एक सारी ऑथेंटिक वैल्यू पास करूं, जिस तरह मैं यहाँ पे 10 पास करूं। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स में 1 और नेम में अली। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास एज वेरिएबल है और मार्क्स वेरिएबल है और नेम वेरिएबल है, उसके अंदर ऑथेंटिक वैल्यूज आ जाएंगी। पहले क्या था कि उसके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं थी हो रही, इस वजह से जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्प्ले हो रही थी। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि वैल्यूज़ हमने ऑथेंटिक दी हैं, जिस वजह से ये वाली वैल्यूज़ उन वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो देखिए उसने मुझे बता दिया है कि नेम मेरा अली है, एज मेरी 10 है और मार्क्स मेरे 1 है। इनकैप्सुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम यूज़र को तमाम ग्रीन फील्ड में प्ले करने ना दें, बल्कि उसको हम सिर्फ उतना हिस्सा उसको प्रोवाइड करने के जिससे वो हमारे सिस्टम को क्रैश ना करे। ठीक है, यानी कि हम किसी को शॉर्ट गन नहीं देना चाहते, इसलिए ताकि वो अपने पैरों में शूट ना कर दे, हम उसको सिर्फ वही गन प्रोवाइड करेंगे और उतनी एरिया के लिए ताकि वो अपने सिर्फ एनिमीज़ को शूट कर सके, अपने फ्रेंड जोन में किसी को शूट ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम इनकैप्सुलेशन ऊप में लेके आते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन मैक्सिमम सिक्योर है और इसमें क्रैश होने के चांसेस